आरसीएम परिवार में आपका स्वागत है। आरसीएम बिजनेस राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, ये है हमारा भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। इन महापुरुषों ने अपने प्राणों को त्याग कर हमारे देश को आजाद करवाया। हम राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गए, लेकिन इतने वर्षों बाद भी हमें आर्थिक आजादी नहीं मिली। आज भी हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिनको खाने को भोजन नहीं, तन ढकने को कपड़ा नहीं। और नहीं है उनके पास रहने का सही आसरा। हर तरफ हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। देश में घोटालों का सिलसिला जारी है। आए दिनों हो रहे हैं प्रदर्शन। लोगों के पास रोजगार नहीं है। आतंकवाद का दानव हमें दिनों दिन खाता जा रहा है। यही है भारत? क्या यही है मेरा देश? एक इंसान जो भारत की दशा को देखकर बहुत चिंतित थे। इस दशा को ठीक करने के लिए उनका मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था। एक दिन अचानक उनके मन में उपभोक्ताओं को संगठित कर उनको समृद्ध बनाने का एक विचार आया। इस पर सोचना शुरू किया तो उन सारी समस्याओं का समाधान इसमें नजर आया जो देश में फैली हुई थी। यह एकता और भाईचारे द्वारा चलने वाला कार्य था। यह लोगों को समृद्ध बना सकता था। यह लोगों को एक अच्छे कार्य में लगा सकता था। देखते ही देखते उन्होंने इसे एक व्यावसायिक योजना का रूप दे दिया। उन्होंने चंद साथियों को अपनी योजना बताई। उनके साथी उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे थे। जो व्यक्ति बहुत सामान्य रूप से रहता था, आज उसके चेहरे पर एक तेज था। आज वह बड़ी कुशलता पूर्वक बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर एक विश्वास झलक रहा था। इसके साथ ही जन्म हुआ आरसीएम बिजनेस का। एक उत्पाद, छोटा सा कार्यस्थल और चंद साथी। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। कार्य में सफलता मिलने लगी और सफलता के साथ साथ आने लगी चुनौतियां। लोगों तक अपनी बात पहुंचाना बड़ा कठिन होता जा रहा था, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे हर चुनौती के बाद अपनी तैयारियों को और बढ़ाते गए। उनको इस कार्य के पीछे भारत की आर्थिक आजादी का सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। वे लगातार उत्पादों की संख्या बढ़ाते गए। जिस अभियान की शुरुआत केवल एक उत्पाद से हुई थी, आज आरसीएम में श्रेष्ठ गुणवत्ता के उत्पाद शामिल हो रहे हैं, जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस अभियान ने अपनी तैयारियों से लाखों लोगों को अच्छा जीवन जीने का अवसर दिया और आम लोगों को खास बनाया है। आइए अब हम मिलते हैं आरसीएम के कुछ उभरते हुए सितारों से। ये है प्रहलाद राय मेघवंशी। छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। बड़ी कठिनाइयों से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। मात्र 500 रुपए मासिक वेतन से एक प्राइवेट जॉब की शुरुआत की। 12 साल तक जॉब करने के बाद इन्हें आरसीएम मिला। आज ये आरसीएम के माध्यम से एक सफल व्यक्तित्व बन गए हैं। ये साधारण व्यक्ति जो पहले कभी कुछ लोगों के बीच बात करने में संकोच करता था, आज वही इंसान आरसीएम की बदौलत पूरे हिंदुस्तान में लाखों दिलों पर राज करता है। ये है सुरेंद्र वत्स, जिंद शहर हरियाणा के निवासी। अपने शहर में एक केबल टीवी ऑपरेटर का व्यवसाय कर रहे थे। उन्हें शुरू से ही तलाश थी ऐसे कार्य की
जिसमें वह अपने सामान्य जीवन में कुछ अलग कर सके। उन्हें इस इच्छा को पूर्ण करने की ख्वाहिश हासिल हुई आरसीएम बिजनेस से। आज ये आरसीएम के मजबूत स्तंभ हैं और सभी सफल सेवक इन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। ये है मुकेश कोठारी। एक मध्यम वर्ग के परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्होंने कठिनाइयों के साथ अपनी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त की है। इन्होंने 8 साल तक लगातार मार्केटिंग की जॉब की, जिसकी शुरुआत मात्र 750 रुपए मासिक वेतन से हुई थी। फिर इन्हें आरसीएम बिजनेस मिला। पूरी लगन से इन्होंने इसमें काम किया व इसमें लगातार 8 साल तक हर परिस्थिति में काम करते रहे। आज इनके पास सब कुछ है, जैसे बंगला, गाड़ी, पैसा, सम्मान और लाखों लोगों का प्यार। आम आदमी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए टीसीजी ने अपने आप को हर तरह से निपुण करने का प्रयास किया। न केवल वक्ता के रूप में अपने आप का विकास किया, बल्कि उन्होंने लेखन में, काव्य रचना में, गीत संगीत में, ट्रेनर के रूप में हर तरह से एक उत्कृष्ट कार्य करके दिखाया। जहां उनके गीत दिल को छू लेते हैं, वहीं उनकी पुस्तकें जीवन उपयोगी शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। उनकी चुनौतियों से मुकाबला पुस्तक जो सबको ताकत से भर देती है, और जीवन एक खोज पुस्तक तो क्रांतिकारी साबित हुई है। जिंदगी का सही नजरिया देने वाली इससे बेहतर पुस्तक कोई हो ही नहीं सकती। भारत की आर्थिक आजादी का यह सपना एक आम आदमी का सपना है, और इस सपने को आम आदमी को ही पूरा करना है। आम आदमी की ताकत को पहचान देने वाला यह अभियान हिंदुस्तान का गौरव है। अब हिंदुस्तान का आम आदमी न केवल अपने जीवन को खुशहाल बना पाएगा, बल्कि फिर से इस देश को सोने की चिड़िया बनाएगा। क्योंकि आर्थिक आजादी के सपने को पूरा करने के लिए जिस गति से तैयारियां की गई हैं, उनसे चंद समय में ही ये अभियान दुनिया का विशालतम MLM सिस्टम बन गया। आज ये डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या में नंबर वन, उत्पादों की संख्या में नंबर वन, वितरण केंद्रों की संख्या में नंबर वन, आय के वितरण में नंबर वन, सफलता दर में नंबर वन। लेकिन अभी तो TCG कहते हैं एक सुनहरे भारत की यह छोटी सी झांकी है, अभी जमी में नींव भरी है, ऊपर शीश महल तो बनना बाकी है। नमस्कार, जय आरसीएम, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का स्वागत है आज के स्पेशल और बेहतरीन प्रोग्राम में। आज हम बातचीत करने वाले हैं इस खास दिन पे, 16 सितंबर आज हमारे TC छाबड़ा जी का बर्थडे है, उस मौके पे हम बातचीत करना चाहते हैं आज तक की यात्रा कैसी रही आरसीएम बिजनेस में। और हम आपका मिलवाना चाह रहे हैं आरसीएम बिजनेस के विषम पितामह श्रीमान BC छाबड़ा जी से। तो अगली आवाज सुनेंगे हिंदुस्तान की पावरफुल शख्सियत श्रीमान BC छाबड़ा जी। वेलकम, स्वागत है सर आपका। थैंक यू भावेश जी। जय आरसीएम, सभी साथियों को मेरा बहुत दिल से अभिवादन और नमस्कार। आरसीएम की शुरुआत तो अगस्त 2000 में हुई थी, और जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी तो प्रोडक्ट के नाम पे ओनली एक पैंट पीस का ही कपड़ा था, और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो भी केवल कपड़े का ही था। और खाली पैंट पीस जैसे प्रोडक्ट से इनकम लेना और बिजनेस को चलाना बहुत ही मतलब एक तरह से टफ सा जॉब था। शुरू में लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन मतलब धीरे धीरे वापस सब कुछ सिमटने लगा। और लेकिन TCG की मेरे साथ बातचीत हुई उस समय, और मैंने ये पूछा कि कब तक करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मरते दम तक करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने इसमें कई चीज़ें क्रिएट करना शुरू किया। चैलेंजेस निश्चित रूप से सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि इस बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से वॉल्यूम नहीं होता था, और वॉल्यूम नहीं होता था तो इनकम नहीं होती थी, और बाहर फैलने के लिए कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं थे, और एक्चुअली में हमें भी कोई नॉलेज भी नहीं थी और कोई सिस्टम भी नहीं था, और शुरू में बोलना भी नहीं आता था, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जो एक मजबूत इरादा था TCG का कि भाई मुझे इस काम को करना है, और शायद उस इरादे को गॉड का सपोर्ट था, तो हमारे को एक विजन मिला। और हमने जो भी साथी थे उस समय जितने भी थे उनको एक बार एक फार्म हाउस पे इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के लिए हमने एक लंच या डिनर के प्रोग्राम के नाम पे इकट्ठा किया ताकि लोग आ जाएं, क्योंकि उस समय नहीं तो लोग आना भी बंद हो गए थे कि अब जब करना ही नहीं तो आके क्या करेंगे।
और उनको एक बात बताई कि भाई आरसीएम बिजनेस में आपको इनकम कम आ रही नहीं आ रही, लेकिन इसमें रॉयल्टी आती है और रॉयल्टी के बारे में तो आपने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। तो अब आज हम एक इस प्रोग्राम में बैठ के ये घोषणा कर रहे हैं कि जो आरसीएम के पहले रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, पहले टेक्निकल, उस समय तक रॉयल्टी और टेक्निकल दो ही पिनें होती थी और पिन नहीं होती थी, ट्रॉफी के रूप में सम्मानित होने की बात आई थी, तो कि जो पहले रॉयल्टी अचीवर बनेंगे उस समय मैंने इसको मोटिवेट किया। और उस समय तक मतलब मीटिंग का जो पैटर्न था वो भी बोर्ड पे प्लान दिखाने का था, हमने थोड़ा सा उसमें क्लैपिंग म्यूजिक ताकि लोग मीटिंगों में बोर नहीं हो, ये सब चीजें इंट्रोड्यूस की। और पहली एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन है वो हमने बिल्कुल उतने ही धूमधाम से किया और उस पहली एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन से रॉयल्टी हमारा ब्रांड बन गया। लोगों को और कुछ समझ में आए नहीं आए, प्रोडक्ट समझ में आए नहीं है, विजन है, उनको एक बात समझ में आ गई कि ये जो रॉयल्टी आती है ये हमें लेनी है। और उस रॉयल्टी के ब्रांड बनने से आरसीएम बिजनेस को लोग रॉयल्टी के लिए ज्वाइन करने लगे, और रॉयल्टी के लिए ज्वाइन करने लगे तो रॉयल्टी के लिए काम भी करने लगे। और उसका परिणाम ये था कि दूसरी एनिवर्सरी का जो प्रोग्राम जो जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हुआ था, उस समय तक रॉयल्टी अचीवर की संख्या 100 को क्रॉस कर चुकी थी। और तब तक हम मीटिंग लेने के पैटर्न्स वगैरह थोड़ा सीख चुके थे, और तब तक कि थोड़ा सा हम ये प्रोजेक्टर वगैरह भी थोड़ा सा सीख गए थे। और सेकेंड एनिवर्सरी का प्रोग्राम आरसीएम बिजनेस के लिए एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था, क्योंकि उस समय 2500 लोगों के उस ऑडिटोरियम में शायद भले 5000-7000 कितने लोग आए, वो लोग बाहर भी अरेंज करना पड़ा, वो जो माहौल बना, वो जो एनर्जी का फील्ड बना, वहां पर हमारी जुबान से एक बात निकली कि 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना, क्योंकि जब एनर्जी बनती है तो बातें भी एनर्जी वाली निकलती है, 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना हमारा टारगेट है। और उस बात को उस अच्छे शक्तिशाली माहौल में सभी लोगों ने जो एब्जॉर्ब किया, और उसी का परिणाम है कि कंपनी का भी विजन बना और बिजनेस का भी लोगों का विजन बना, और लोगों को समझ में आने लगा कि इतना बड़ा काम हो सकता है। और फिर कंपनी के प्रोडक्ट भी आने लगे, कंपनी ने अपने लेवल पे जैसे तैसे करके प्रोडक्टों की शुरुआत की, फिर थोड़ा जब प्रोडक्ट आने लगे तो डिलीवरी सिस्टम भी तैयार होने लगा, डिपो वगैरह, और जैसे ही ये तैयार हुआ तो थोड़ी लोगों को इनकम भी आने लगी और ये बिजनेस फैलने लगा। और शुरुआती दौर पे मेरी पूरी की पूरी ट्रेवलिंग कार से होती थी, और मैंने जो शुरुआत में एक चीज सीखी कि इस बिजनेस को हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं ये उतना तेजी से फैल सकता है। अगर हम सहयोग करने की क्षमता अपने में डेवलप करें तो बिजनेस करने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। और उसी पे मैंने काम किया, अपने आप को डेवलप करने पे भी काम किया, क्योंकि हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अपने आप को डेवलप, उस समय शुरुआत में तो हम OHP पे मीटिंग लिया करते थे, स्लाइड बना के रखते थे। फिर दूसरी एनिवर्सरी के बाद तीसरी एनिवर्सरी हमारा श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में हुआ, तब तक हमारा सिस्टम एक हिंदुस्तान में अपनी पहचान बना चुका था, और कपड़े के रूप में पहली कंपनी होने की वजह से और कंपनी के कमिटमेंट और कंपनी की नीयत की वजह से इस बिजनेस को सब जगह से मान्यता मिलने लगी। और जो TCG से मिलते तो उनको एक बात बहुत समझ में आती कि ये बिजनेस चलेगा, ये उनके व्यक्तित्व का कमाल था। और चौथी एनिवर्सरी जो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मनाई गई, और पहले करोड़पति मुकेश जी जब आरसीएम बिजनेस से तैयार हुए तो हिंदुस्तान की आवाम को और हिंदुस्तान के हजारों लोगों को ये बात समझ में आ गई कि तब तक पैंट और शर्ट की किट हो गई थी कि 3 जोड़ी पैंट और 3 जोड़ी शर्ट खरीद के बिजनेस करने का जो लाइसेंस मिलता है वो लाइसेंस इतनी बड़ी चीज बन सकता है कि एक आदमी करोड़पति भी बन सकता है। और मुकेश जी के पहले करोड़पति बनने को हिंदुस्तान ने एक प्रेरणा के रूप में लिया, और हमें बहुत अच्छी अच्छी लीडरशिप मिलने लगी, फिर तो हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ये बिजनेस आगे बढ़ता गया। और आज जो 700 प्रोडक्ट, 140 डिपो, 10,000 पिकअप सेंटर और इतनी मजबूत लीडरशिप, ये सारी चीजें हैं। और चैलेंजेस तो हर चीज में आते हैं, तो चैलेंजेस इसमें भी आए थे, लेकिन चैलेंजेस को मैंने कभी चैलेंजेस के रूप में नहीं लिया, चैलेंजेस को मैंने नॉलेज के रूप में लिया, हर चैलेंज से हम सीखते गए। और आज इतना बड़ा वटवृक्ष ये जो है कि पूरे हिंदुस्तान भर में कंपनी के अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, 140 ऑन डिपोज, 10,000 पिकअप सेंटर, और अब वर्तमान में 1 करोड़ डिस्प्ले वाल का टारगेट लेकर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना देखकर हम बहुत बड़ी यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। और सभी साथियों की शुभकामनाएं और दुआएं हमें मिलती रहती है, तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा। थैंक यू सो मच। और आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली है, हमारे साथ वो शख्सियत भी है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बताया कि आरसीएम बिजनेस में
न केवल पैसा कमाया जाता है बल्कि करोड़पति भी बना जा सकता है। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में उनको स्वागत करना चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी कि आपने एकदम मोटिवेट करके मुझे बुलाया, और बहुत अच्छा लगता है कि आज जो लोग नाम लेते हैं पहले करोड़पति के रूप में मेरा आरसीएम बिजनेस के फील्ड में। दोस्तों, इनिशियल में जो मेरी शुरुआत हुई थी, मैं एक प्राइवेट नौकरी किया करता था। उस समय पहली बार मुझे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान बताया गया, और डायरेक्ट सेलिंग का प्लान जब पहली बार बताया गया था तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई थी कि इस पूरे बिजनेस में जा कुछ नहीं सकता, और मुकेश कोठारी, तेरे पास कोई पिताजी की कोई बहुत बड़ी कैपिटल नहीं है तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा, और यही एक ऐसा अप्रोप्रिएट बिजनेस है जिसके अंदर तू सुटेबिलिटी के साथ बहुत बड़ा काम कर सकता है। और दोस्तों, मैंने एज ए कैरियर इस बिजनेस में लिया, और मैंने आपको आश्चर्य होगा 7 से 8 महीने में अपनी नौकरी में छोड़ चुका था। इनिशियल में कुछ चैलेंज आते थे, शुरुआत में समझाना बहुत भारी पड़ता था क्योंकि मेरी एज मात्र उस समय 26 साल की थी, और जब हम किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते थे समझाने के लिए तो अपने बाल बताकर कहता था कि ये बाल है ना धूप में सफेद नहीं हुए। वो अपने अनुभव को मेरे ऊपर थोपता और मुझे कहता था कि ऐसे कोई अमीर नहीं बनता, ऐसे कोई बिजनेस नहीं होते, बिजनेस तो दुकान लगाकर होता है, बिजनेस तो पैसा लगाकर होता है, इस तरह के बहुत सारे चैलेंज आते थे। लेकिन एक ही बात थी दिमाग में कि इसके अलावा और कोई अल्टरनेट नहीं, अगर आगे बढ़ना है मुकेश कोठारी तो यही एक तरीका है, और फिर हम चलने लगे। बहुत क्रेज हुआ करता था बिजनेस के अंदर, अभी तो ये बात आती कि कोई आदमी 2-4 आदमी ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत बड़ा चार्म नहीं रहता, लेकिन उस समय कोई आदमी एक आदमी भी बोल देता था कि मुझे इस बिजनेस का प्लान समझना है तो हम स्कूटर उठाकर 250-250 किलोमीटर तक स्कूटर पर चले जाते थे। मुझे वो दिन याद है जब इंदौर तक की चित्तौड़गढ़, इंदौर, उदयपुर, राजसमंद, ये सारे सफर हम स्कूटर पर किया कर लेते थे, और कई बार जब ट्रेन में बैठने का मौका मिलता था तो रिजर्वेशन की ताकत नहीं थी करवाने की, पैसा बहुत लगता था, तो टॉयलेट के बाहर जो है पेपर बिछाकर हम यात्रा कर लेते थे। एक वाक्य तो वो मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब मैं नौकरी छोड़ चुका था और मेरे पास 450 रुपए थे, मैं इंदौर जा रहा था, मेरी वाइफ स्कूटर पर मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई थी, 450 रुपए में पूरा बजट एकदम टाइट था, कंप्लीट था, लेकिन लास्ट में स्टेशन पर आकर मेरी वाइफ ने मेरे से 50 रुपए मांग लिए और मेरा बजट जो है पूरा बिगड़ चुका था। और मुझे वो दिन याद है कि इंदौर में मैंने 2 टाइम जो है स्किप किया था खाने का, मैं 3 दिन तक वहां रुका था, 2 टाइम खाना स्किप करके मैंने 50 रुपए को कवर किए थे। ऐसे चैलेंजेज आते थे, लोग समझते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि जब हम किसी चीज पर अड़ जाते हैं, लग जाते हैं, तो आपने भी ये देखा होगा अपने जीवन के अंदर कि जब एक आदमी, आप 4 दोस्तों का कहीं जाने का प्रोग्राम है और एक आदमी कैंसिल करता है तो सारे लोग कैंसिल करते जाते हैं, लेकिन सभी लोगों ने मना किया और एक आदमी दृढ़ इच्छा के साथ डटा जाए कि भाई तुम जाना चाहो तो जाओ, मैं तो जाऊंगा। और जब एक आदमी कहता है मैं तो जाऊंगा, धीरे धीरे माहौल फिर बदलना चालू होता है, लोग फिर कारवां में जुड़ना चालू होते हैं, और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। और इस सारे दौरान की हमारे पास एज का अनुभव नहीं था, और उसी दौरान बीसी छाबड़ा जी का हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद पड़ा कि उन्होंने हमें सपोर्ट करना चालू किया। हम बोलने में माइंड नहीं थे लेकिन वो स्टेज पर खड़ा कर देते थे कुछ मोटिवेट करके, कुछ प्रमोशन करके, और ये कारवां बढ़ता चला गया। फिर 4th एनिवर्सरी में जब मैं करोड़पति बना, उसके बाद तो कह रहे हैं कि नजारा ही बदल गया। आज एक लड़का जो आपके सामने है जिसने 750 रुपए से अपना करियर चालू किया था, आज बहुत बड़ा कारोबार है, होटल्स मेरे पास है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, और कई तरह के बिजनेस हम करते हैं, लेकिन टॉप प्रायोरिटी पर अगर कोई बिजनेस है तो वो आरसीएम बिजनेस है। जीवन के गहराइयों तक खून की रग रग में आरसीएम जुड़ा हुआ है, आरसीएम अंदर घुसा हुआ है, और निश्चित रूप से इस आरसीएम के तहत हम हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में टॉप ले जाकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय आरसीएम। और अब मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ राजाराम सारण जी से। जय आरसीएम। सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आदमी के जीवन के अंदर अगर 2 चीजें होती है, एक तो लक्ष्य और एक उत्साह, तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं जब पहली बार भीलवाड़ा गया, पहला वहां पर प्रोग्राम देखा तो मैं वहां पर इतना उत्साहित था कि मैं इस तरह के प्रोग्राम मेरे गांव में करवाना चाहता हूँ। तो बीसी छाबड़ा जी ने बोला कि प्रोग्राम अगर आप गांव में करवाना चाहते हो तो वहां पर रॉयल्टी आनी जरूरी है। और दोस्तों, उसी दिन वहां पर मैंने अपने आप से एक विश्वास और संकल्प लिया था कि अब तो रॉयल्टी पे ही आना है। वहां से मैं मार्च के अंदर भीलवाड़ा गया था, और भीलवाड़ा से आने के बाद में मैंने काम किया, और मेरे को 23 अक्टूबर 2001 की डेट दी थी सर ने, मुझे आज भी याद है। और आपने बोला था कि 5000 लोग होने चाहिए, बस यस निकलता था, ना का तो कोई मामला ही नहीं था। वहां से आने के बाद में दोस्तों जम करके तैयारी की और जम करके काम किया, कभी नींद नहीं आई। चाहे 300 किलोमीटर जाके आना हो, 200 किलोमीटर जाके आना हो, मेरे जो सर्किल था उस सर्किल के अंदर मैंने एक गांव नहीं छोड़ा और एक शहर नहीं छोड़ा। और अगले 4 महीने के दौरान मेरी पहली रॉयल्टी आई 23 अक्टूबर 2001 को, बड़ा प्रोग्राम था, 5000 लोगों की तैयारी की गई, 2 पहली नई रॉयल्टी वहां पर आई थी, जयपुर से 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां उस दिन वहां पर आई थी, हरियाणा की पूरी टीम वहां पर आई थी,
और वो जो प्रोग्राम हुआ था सर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रोग्राम रायसी नगर के अंदर, आज भी मुझे याद है, रामलीला मैदान के अंदर, वो उत्साह रायसी नगर के चारों तरफ जितने भी शहर है वहां से जितने लोग आए थे ना, उनका दिल हथेली पे आ गया था और सब डांस कर रहे थे। 2500 लोगों में कम से कम 150 लोगों ने स्टेज पे आके डांस किया था, और उन्होंने सबने बोला था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें भी करना है। मैं एक बात हमेशा कहूंगा कि आदमी छोटा सोचता है मगर गुरु साथ में होता है तो वो बड़ा सोच लेता है। मैंने बोला जी 300 लोगों की गैदरिंग कर पाएंगे, मगर बीबीसी छाबड़ा जी ने बोला 5000 लोग होने चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, क्या हुआ, कुछ चांद सितारों की छूने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है एक चांद सितारा भी हमारे हाथ में ना आए, मगर हमारी हाइट जो है वो और लोगों से बढ़ जाती है। 5000 लोग उस प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे, मगर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रोग्राम हुआ था जिसमें 2500 लोग थे, और उस प्रोग्राम के बाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक रॉयल्टी की लहर निकली थी। वो जो म्यूजिक चला था, वो जो डांस हुआ था, वहां पर जो दो गाड़ियां, दो रॉयल्टी अचीवर ने, पहली रॉयल्टी अचीवर वहां पर मेरा था और मेरे साथ में एक मेरे साथी थे ठाकर राम, दो गाड़ियां वहां पर ली थी। बच्चा वहां पर क्या है कि प्रोफेशनल लोग भी आए हुए थे, किसान लोग भी आए हुए थे, कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने ये बोला हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सबने बोला आप तो करके रहेंगे, रॉयल्टी लेके रहेंगे। इस तरह का अगर उत्साह से काम किया जाए, इस तरह से अगर उत्साह से किसी बड़े गुरु के सानिध्य में काम किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। 23 अक्टूबर 2001 दिन मुझे आज भी याद है, और बीसी जी ने एक बात बोली थी कि राजा राम जी, बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बड़ा बरगद का पेड़ कभी नहीं होता। यहाँ पर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, अगर इसको बड़ा करना चाहते हो तो पूरे हिंदुस्तान में छा जाओ। और दोस्तों, मैं एक साल तक रायसी नगर के अंदर मैंने कोई मीटिंग नहीं की थी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर की थी, और आज लगभग 27 राज्यों में बिजनेस है सिर्फ बीसी छाबड़ा जी की उस एक बात की वजह से। विजन आपके पास में होना चाहिए, जिनके पास में लक्ष्य नहीं और जिनके पास में उत्साह नहीं है वो बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, उत्साह और लक्ष्य अपने गुरु से लेना चाहिए, और इस तरह का काम जिसके अंदर आनंद भी आए और लोगों के साथ में काम करने से लोगों का भला भी हो, ऐसा कोई बिजनेस मैंने नहीं देखा। मैं 20 सालों के अंदर गदगद हूं, बहुत अच्छा लगा मुझे। जय आरसिम, नमस्कार। अब मैं आदरणीय जेके जान साहब को आपके बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। थैंक यू सर। मैं यहाँ जॉब कर रहा था, 14 साल से यहाँ पे मैं जॉब किया मैंने दिल्ली में, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो मेरी स्थिति थी उसी से ही मैंने दूसरे लोगों को भापा कि जैसे मेरी ज्यादातर स्थिति ये थी कि यहाँ पे मैं एक 14,000 की नौकरी करता था, तो उसमें मेरे पास में बड़ी टेंशन रहती थी और मैं कर्जों भरी जिंदगी जी रहा था यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा जब ये प्लान मेरे सामने मिस्टर केसी छाबड़ा लेके आए थे, तो मेरे को ये प्लान में सबसे बढ़िया बात लगी कि ये बिजनेस एक तो 100% लोग कर सकते हैं और इसमें क्या कि किसी को भी एक्स्ट्रा मतलब कॉस्ट आती नहीं है, तो इसका वैल्यू फॉर मनी वाला प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि मैं कुछ करना चाह रहा था लाइफ में और कर्जों भरी जिंदगी चल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाला जो बिजनेस है, ये जो कि बिजनेस यहाँ दिल्ली जैसे शहर में भी 80-90% लोग ऐसे जिनका स्थिति मेरी जैसी है, मतलब वहाँ उनका भी इनकम लेवल कम है और टेंशन और यहाँ पे लोन की जिंदगी ज्यादा चलती है। तो ऐसा सोच करके मैंने इस बिजनेस को अपनाया और इसके अंदर स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम आए थे। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरुआत किया था तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये आने लगे कि यहाँ दिल्ली जैसे शहर में क्या होता था कि किसी को भी प्लान देने जाओ तो यहाँ पे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती थी, मतलब कि 100-200 रुपए खर्चा ऐसा हो जाता था। तो और स्टार्टिंग में इनकम बहुत कम होती थी, तो बड़े चैलेंज आते थे। तो मैं इस बिजनेस को जैसे मैंने एक महीने किया तो मेरा 2-3 हजार का खर्चा भी हुआ, तो और 500 रुपए का चेक पहला मेरा बना था। तो मैं मिस्टर छाबड़ा जी को बोला कि मैंने कहा सर ये बिजनेस मुझे नहीं करना है, मेरे को 500 रुपए का तो चेक आया, 2-3 हजार का खर्चा हो गया। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात यह होती है कि अपलाइन लोग होते हैं जो कंपनी का विजन बहुत काम करता है। तो कंपनी का विजन ये था कि बहुत प्रोडक्ट आएंगे, उस टाइम प्रोडक्ट भी नहीं हुआ करते थे इसमें, तो कोई लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते थे इसमें। एक कपड़े को लेकर के सब कहते थे कि भी रेडीमेड कपड़ा चलता है, ये आपके पैंट शर्ट नहीं चलेंगे यहाँ पे। लेकिन मैंने पाया कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे मनी सर्कुलेशन कंपनियां और प्रोडक्ट के द्वारा मनी सर्कुलेट करने वाली कंपनियां ही ज्यादा कामयाब होती थी यहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा कि ये काम जब ये लोग कह रहे हैं कि तो प्रोडक्ट आएंगे, तो इसमें जब प्रोडक्ट फिर आने लगे और ये कंपनी आगे बढ़ने लगी, मैंने इस पे विश्वास किया। तो फिर पाया कि इसके अंदर जो है मतलब कामयाबी स्टार्ट ऐसे हुई कि जब मैं पार्ट टाइम करता था इस बिजनेस को, तो पार्ट टाइम में मैं क्या करता था कि मेरे को 10 से 6 की मेरी नौकरी हुआ करती थी। तो मैंने एक बात सोच ली थी कि अपलाइन और कंपनी के द्वारा जो मैंने सीखा था मीटिंगों में जाकर के,
उसमें एक बात सीख ली थी कि इसको पार्ट टाइम में दिल से फुल टाइम करना चाहिए। तो मैंने इस काम को मतलब 6-7 घंटे डेली काम करना स्टार्ट किया। मतलब जैसे 10 से 6 की नौकरी करने के बावजूद मॉर्निंग में टाइम मिले या फिर दिन में टाइम मिले या फिर संडे को टाइम मिले या फिर इवनिंग में 5-6 घंटे निकालता था मैं, घर पे 12-12 बजे जाता था। लेकिन इसमें ये बात मुझे अच्छी लगी कि ये 100% लोग इस काम को इसलिए कर सकते हैं कि दूसरी कंपनियां मनी सर्कुलेशन है। तो मैं लोगों के पास जा जा करके हमने बहुत फील्डिंग की यहाँ पे, और मिस्टर केसी जी ने भी काफी फील्डिंग की मेरे साथ में चल करके अपलाइन के रूप में, और हम लोग बाइक पे जाना और कभी बसों में जाना ऐसे ऐसे काम किए थे। तो मैंने देखा कि काफी स्टार्टिंग में मेहनत की थी लेकिन ये पता था कि 2 से 5 साल में बड़े रिजल्ट आने वाले हैं, तो बहुत अच्छा रहा। और आफ्टर 6 मंथ ही इसके बहुत बड़े रिजल्ट आए, और मुझे जो मैं 14 साल की नौकरी करके 14,000 पे पहुंचा था और इस बिजनेस को करके मैं 21,892 का चेक लिया, और फिर उसके बाद कामयाबी बहुत लगातार बढ़ते गए और सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया इस बिजनेस को। और इस बिजनेस में ताकत रही कि इसकी बात सच्चाई निकली इस बिजनेस में कि प्रोडक्ट आते गए और आज तो साफ ही लग रहा कि ये बिजनेस पहले गांवों का लगता था लेकिन आज तो बिल्कुल ही शहरों का बिजनेस लगने लग गया है, और शहरों में सबसे ज्यादा ये बिजनेस अब चलेगा ऐसा मेरा मानना है, और बहुत आगे इसमें बढ़ेंगे। और इसी बिजनेस की ताकत से मैं इस बिजनेस को फिर 6 महीने बाद फुल टाइम किया, क्योंकि 6 महीने की मेरी जो इनकम 14 साल की इनकम को क्रॉस कर गई, 1.5 गुना चली गई, और फिर तो उसके बाद मैं 3 साल में भी स्टार रूबी जैसी पिन पे चला गया था, और मैंने जितना नहीं सोचा था उससे कहीं आगे पहुंचा मैं। तो ये सब कुछ आरसीएम की ताकत से हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं आपके बीच में बुलाने वाला हूँ एजुकेशन के मास्टर और आरसीएम बिजनेस के डायमंड श्री सुरेंद्र वत्स साहब को। सबसे पहली बात, जो आरसीएम बंद हुई, मेरा ये मानना है और मुझे लग रहा है हर व्यक्ति ये मानता है और हमने ये सुना है कि सोना कुंदन तभी बनता है जब वो अग्नि से गुजरता है, और जितने भी महान संगठन इस देश में बने हैं या दुनिया में बने हैं वो तभी है जब वो किसी न किसी संघर्ष के बीच से होके निकले हैं। तो हमारे साथ में 2011 में जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, उसके बारे में कभी सोचा नहीं था। हम सब लोग बिल्कुल एकदम बड़े बड़े विजन के साथ और बड़े टारगेट के साथ में हम लोग काम कर रहे थे, और आप यूँ सोचिए कि आपके सामने कोई मंजिल है और आप बढ़े जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी में पंचर हो जाए तो सारी की सारी आपकी प्लानिंग, सारे के सारे टारगेट आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वैसे ही कुछ घटना हमारे साथ में हुई। हर व्यक्ति बड़े सपनों के साथ में आरसीएम बिजनेस कर रहा था। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अक्टूबर 2011 में मर्सिडीज बेंज खरीदी थी, जो मेरी एक ड्रीम कार थी। उसकी 80,000 रुपए की ईएमआई थी, और नवंबर 9 दिसंबर को ये सूचना मिली कि भाई किसी वजह से कंपनी जो है बंद हो गई या जांच चल रही है कंपनी की। 9 दिसंबर को ये सूचना आई। 10 दिसंबर को सतीश पंडित जी का बर्थडे रहता है, हम लोग चंडीगढ़ में उसका एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं, तो 10 तारीख को मैं वहां गया, रुका नहीं इस चीज को लेके कि चलो ये तो टेम्परेरी चीजें हैं, हो जाएंगी ठीक। तो 10 दिसंबर को हमने वो सेलिब्रेट किया तो बहुत सारे प्रश्न आए कि क्या हुआ, क्यों हुआ। तो हमें लगा कि यार शायद संडे बीच में पड़ गया तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम है, तो मंडे को हम लोग दोबारा ओपन हो जाएंगे, लेकिन वैसी स्थिति थी नहीं। देखिए हम लोग ये सब जानते हैं कि जब हम लोग फसल लगाते हैं ना तो फसल के साथ में घास फूस पैदा हो जाता है, खर पतवार पैदा होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके साथ में भी प्रकृति काम करती है। बहुत सारी मनी सर्कुलेशन की कंपनियां पैदा हुई, और वो एक दौर था 2010 से लेकर 2012 के बीच में जब इस प्रकार की कंपनियों की बाढ़ आ गई थी, और राजस्थान में ये चीजें बहुत चरम पे थी। तो उसी समय कुछ स्कैंडल हुए बहुत बड़े बड़े राजस्थान में, तो उन स्कैंडल की वजह से कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय लिया कि जितनी भी कंपनियां, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत लोग जानते नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है इस चीज के, तो ये लगा ये जो भी कंपनियों में लोग मेंबर बनाते हैं तो उन सबको बंद किया जाए। तो उसी के तहत आरसीएम को भी बंद किया क्योंकि भिलवाड़ा में हेड ऑफिस था। लेकिन हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत संघर्ष किया। मुझे याद है कि 12 दिसंबर या 13 दिसंबर की डेट थी जब हम सब लोग भिलवाड़ा में इकट्ठे हुए, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि वो जो एक हमने एक मार्च निकाला भीलवाड़ा में, पुलिस स्टेशन पे जाके हमने ज्ञापन दिया और ये बताया कि हम न तो इन्वेस्टर हैं, क्योंकि जो भी कंपनियां बंद हुई थी उस समय वो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा, तो हमने बैनर के साथ और होल्डिंग के साथ हम लोग गए कि हम ग्राहक हैं, हम संतुष्ट उपभोक्ता हैं, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है।
और उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया चली। फिर हमने दिल्ली में 3 दिन का धरना दिया, फिर रामलीला मैदान में हम लोग रहे, फिर जंतर मंतर पे हम लोग कोई काफी लंबा समय, लगभग 14 दिन तक रहे, फिर उद्योग मैदान में रहे। तो ये काफी लंबा सफर हुआ और फाइनली अक्टूबर 2012 में राजस्थान गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी, या मैं यूं कहूं कि आरसीएम की वजह से गाइडलाइन दी, तो कोई गलत नहीं होगा, और हम लोग दोबारा स्टार्ट हुए। और एक चीज हुई, देखिए ये जो भी एपिसोड हुआ पूरा का पूरा, इसने पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिला दिया। पूरी हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ये लगा कि आरसीएम जैसी कंपनी जिसके वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं, एथिकल कंपनी है, कोई आदमी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता, अगर उस कंपनी के ऊपर में कुछ कार्रवाई हो सकती है तो हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी सुरक्षित नहीं है। और उसका परिणाम ये रहा कि जो पुरानी एसोसिएशन थी डायरेक्ट सेलिंग की, वो बहुत एक्टिव हुई और एक एसोसिएशन बनी डिस्ट्रीब्यूटर्स की पावर को समझते हुए, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको हम DSDWA कहते हैं। उसका फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का मौका भी शायद मुझे इसलिए मिला बना क्योंकि जो आंदोलन हम सब लोगों ने लीड किया था, उसकी वजह से ये लगा कि हम लोग लीड कर सकते हैं। उसके बाद में मैं बड़ी क्लोजली गवर्नमेंट के साथ में जुड़ गया, FDSA फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ में जुड़ा रहा। फिर कुछ समय के बाद फिक्की ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, फिक्की डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स, जो अब भी काम करती है, तो उनके साथ में मैं रेगुलर जुड़ा हुआ। और फाइनली फिर गाइडलाइन आई, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आ गया 2019 में, अभी रूलिंग की बातचीत चल रही है। तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन उसने पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। दूसरा जो आपका प्रश्न है, वो मल्टीपल लैग का जो प्रश्न है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी कैसे लैग्स ओपन हुई, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टीपल लैग स्टार्टिंग से रहा, कभी कोई फाउंडेशन नहीं रही, लेकिन कल्चर टू की 2 लैग का रहा, सब लोग 2 लैग ही चलाते थे। तो मेरे साथ ये हुआ, स्टार्टिंग में जब हम लोग जुड़ते हैं ना, तो मालूम नहीं होता किसकी लैग चलेगी किसकी नहीं चलेगी। तो मेरी 2 लैग चल गई और एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर में एक कमेंट किया कि भाई इनका तुक्का लग गया और तुक्के की वजह से इनकी दोनों चल गई, क्योंकि उनकी एक चल रही थी, उनकी दूसरी नहीं चल रही थी। तो उस चीज को मैंने बड़े पॉजिटिव वे में लिया, मैंने ये सोचा कि शायद ये ठीक कह रहे हैं, मैं अपने आप को चेक करता हूँ मेरा तुक्का लगा है या मैंने चलाई है ये। तो वो अपने आप को चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक तीसरी लैग और स्टार्ट की, ऑनेस्टली अपने आप से, अपने आप को प्रूव करने के लिए। और वो की और उस पर मेहनत भी की, एक बर्निंग डिजायर भी थी कि यस करके दिखाना, वो जो वाली फीलिंग थी। तो वो तीसरी लैग भी स्टार्ट हुई और इसी प्रकार से फिर सतीश पंडित जी जब ज्वाइन हुए वाए, तो उन्होंने बोला कि सर मैं डायरेक्ट आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ। फिर चौथी भी स्टार्ट हो गई और ऐसे करते करते पांचवी भी स्टार्ट होगी। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस हम लोगों ने क्रिएट किया। और देखिए मैं दो चीजें कहना चाह रहा हूं इसमें। पहली चीज तो मल्टीपल लैग के बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो मल्टीपल लैग पे अगर आप जाते हैं तो बिजनेस को हम लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज तो अभी जैसे राजा राम सारंग जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बरगद के पेड़ के नीचे कभी बरगद का पेड़ पैदा नहीं होता। तो 2 लैग वाले कल्चर में कहीं ना कहीं एक अपलाइन हमेशा हमारे ऊपर रहता है, तो उससे नीचे वाली लीडरशिप उतना ज्यादा नहीं पनप सकती। जबकि जब हम लोग ओपन बिट में जाते हैं, नए व्यक्ति के साथ में काम करते हैं और उसको खुल के काम करने का मौका देते हैं, तो इंडिपेंडेंट हम बिजनेस में बोलते हैं कि वी आर IBO इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स, तो वो वाली फीलिंग क्रिएट होती है मल्टीपल लैग में। दूसरा बेनिफिट ये मुझे लगता है कि एक असली लीडरशिप, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्रिएट होती है, क्योंकि एक जब एक अच्छा लीडर है वो अगर किसी के साथ में काम करके एक नया ग्रुप स्टार्ट कर रहा है, नई लीडरशिप के साथ में काम कर रहा है, तो उसका डुप्लीकेशन वहां पे हो रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उसकी कॉपी फास्ट गति से शुरू होती है, क्योंकि डेप्थ में जाके वो काम नहीं करता जब वो एक नई लैग के साथ में करता है। तीसरा मुझे इसका फायदा ये लगता है, इससे बड़ी इनकम के एग्जाम्पल क्रिएट होते हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। चौथा फायदा मुझे ये लगता है कि जब सीनियर लीडर्स ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं तो वो ग्राउंड लेवल के इश्यूज को जान पाते हैं। ऊपर उन्हें कोई सिस्टम बनाना होता है तो ग्राउंड लेवल की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास में है, तो सिस्टम बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैं तो हमेशा इस चीज की प्रशंसा करता हूं कि ओपन बिट्स में हमें काम करना चाहिए। और रही बात आपकी ये कि भाई कोई लोग नाराज नहीं होते हैं, सबको साथ में लेके कैसे चला जाता है, उसमें सिंपल सा मेरा ये मानना है कि आप अगर नई लैग खोल रहे हैं तो पुरानी पे से आप ध्यान मत कीजिए, उतना ही ध्यान रखिए जो आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम था, या आपने जो सीखा है उस सीखे हुए चीज को इम्प्लीमेंट करके आप नया ग्रुप चलाइए। पहले वाले लोगों को आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। और मैं बहुत ऑनेस्टली एक चीज कहना चाह रहा हूं, मेरी जो सबसे पहली ग्रुप थी, जो बड़ा ग्रुप था,
आज भी मेरा काफी सारा समय उसमें जाता है और मैं बहुत इमोशनली अटैच हूँ एक एक व्यक्ति को, चूंकि मैंने अब उनके साथ में काम किया तो उनको मैं कैसे छोड़ दूं। मैं इसलिए नहीं छोड़ सकता कि उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया है, तो वो इमोशंस हैं और वो इमोशन कभी जाने नहीं चाहिए, और वो इमोशन नहीं जाएंगे तो फिर आपसे हर लोग खुश ही रहेंगे, तो ये पार्ट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे सुरेंद्र वत्स साहब जिन्होंने पूरा खुल के बातचीत की, और ऐसी एक और पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, मैं उनको आपके बीच में सादर पूर्वक लाना चाहता हूँ, जिन्हें मास्टर द सिस्टम कहते हैं। तो हम सबकी अपलाइन और आरसीएम बिजनेस के फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो, और मैं आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के साथ पूरे सम्मान के साथ आप लोगों के बीच में बुलाना चाहता हूँ श्रीमान केसी छाबड़ा जी को। जय आरसीएम। मैं आज सभी दोस्तों को बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप सब लोग जो है अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान के आम आदमी को बहुत फायदा हो अगर चीजों को समझे। और आज कुछ ऐसे ही छोटा सा पहलू मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जिससे शायद हम कुछ सीख पाए, समझ पाए और कुछ स्टोरी जान पाए कि जीवन में अगर कोई भी कामयाबी चाहिए और कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसके पीछे होता है या तो है कोई रीजन है मुझे कोई काम करने का, और या विजन है। अगर रीजन और विजन दोनों नहीं है और उसके बाद अगर हम काम करें तो फिर मेरे ख्याल से वो जो लाइफ है वो लाइफ बिल्कुल एकदम कहते हैं जो एक बहुत पिछड़ा हुआ काम हो जाता है या बहुत जो एक लेबोरियस वर्क हो गया है, बहुत हार्ड वर्क हो गया। अब यहाँ पे जब मेरे सामने स्थिति थी कि जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई और मैं बहुत क्लियर था एकदम, मैं हालांकि जब भी मेरी अपनी जीवन शैली में मैं कोई भी काम करता हूँ चाहे वो बहुत पहले से और आज भी, तो मेरे कुछ अपने तरीके हैं किसी चीज़ को बारे में एनालाइज करने का। वो ये है कि सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कोई चीज़ बहुत दूरी तक कैसे काम करेगी। अगर उसका कोई बहुत लंबा उसका स्पैन नहीं है तो फिर वो काम अच्छा नहीं हो सकता है। और जब आरसीएम का जिक्र मेरे सामने आया और जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा और थोड़ा अच्छे से समझा तो लगा कि मैंने कहा यार ये तो कोई आने वाले वक्त का, क्योंकि एक इंडस्ट्री चला रहा था, एक टेक्सटाइल बिजनेस में रन कर रहा था, एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जिसका तरीका बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है। यहाँ से उसका कोई दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है, ना आपके कोई सप्लायर, ना आपके बायर, ना आपका मार्केटिंग का मॉडल, ना आपके इनकम के रेवेन्यूज के तरीके, ना मैनेजमेंट का पैटर्न, मतलब कोई दूर तक कोई एक आपस में कोई लिंक ही नहीं है हर। तो अब मेरे लिए एकदम बिल्कुल नई चीज को मैंने जब एक्सेप्ट किया तो ये सोच के यार ये तरीका वो है जो आने वाले वक्त में काम करने वाला है। और लेकिन देखो कोई भी है अगर आने वाले वक्त की बात भी करेंगे तो आदमी 5 साल या 10 साल बाद की सोचता है, बहुत आगे की तो सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आगे चल के क्या स्थितियां घटित होगी वो तो समय के साथ ही पता चलता है। लेकिन फिर भी जो मेरा जो विजन था बहुत एकदम वेरी क्लियर कि जिस दिन मैंने इसको स्टार्ट किया उस दिन से लेके आज तक मेरे जो है विचारों में कभी भी मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई फियर हुआ हो। और कहते हैं अगर आपका फियर अगर है आपके साथ जिंदगी में तो फिर आप बड़ी कामयाबी कभी हासिल नहीं कर सकते, और फेथ अगर आपका है तो फिर कोई मुश्किल आपके सामने दिख नहीं सकते सर। और ये दोनों विपरीत चीजें हैं, तो अगर आपका फेथ है किसी चीज के प्रति तो आप उस सारी सब चीजों का मुकाबला भी करोगे और काम भी करोगे, कामयाबी भी आपको 100% मिलेगी। पिछले 20 साल का एक बहुत अच्छा खासा अरसा कहते हैं जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो मैंने इस बिजनेस के साथ दिया। ये 20 साल का तजुर्बा है अगर मैं आपको सही बताऊं इस तजुर्बे के साथ में, तो मैं इतना एकदम क्लियर है कि मुझे कभी भी नकारात्मकता मेरे सामने आई नहीं है। स्थितियां होती है, हम कैसे लेते हैं उसको ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कभी नकारात्मकता का मतलब मुझे एहसास कभी हुआ ही नहीं है। उसका रीजन ये था कि मुझे फेथ है। अगर मुझे फेथ है, फेथ सबसे ज्यादा मैं करता हूँ अपने ऊपर, मैं अपने ऊपर भरोसा करता हूँ यार मैं कोई भी काम है उसको काम को मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा, कभी वो डर था ही नहीं। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इस कंपनी को मैं बहुत गहराई से जानता था, और शायद पहले दिन भी मेरे लिए फैसला करना बहुत आसान था, एक अच्छे खासे बड़े से टेक्सटाइल एम्पायर को छोड़ के इस बिजनेस की शुरुआत क्योंकि जीरो से होती है। आप शुरुआत में तो इनकम तो खैर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कैसे आएगी, तो समय लगता है। तो लेकिन क्योंकि मैं कंपनी को जानता था और मैं इतना जानता था कि इस दुनिया में मतलब लाखों और करोड़ों लोगों के बीच में ये कंपनी बहुत यूनिक है, इसकी पॉलिसी है, इसका तरीका है, इसका एक पैटर्न है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। यानी अगर मैं आज अगर बात करता हूँ 2020 आज हो चुका है हमारा, तो मैं आगे अगर इसके आगे की बात करता हूं तो मैं समझता हूं कि एक कहते हैं एक ऐसा नायाब हीरा कोहिनूर हीरा है शायद ये जो शायद आपको कहीं मिलेगा नहीं सर। उसके पीछे एक बहुत सारी चीजें आएगी और आने वाले वक्त में शायद हो सकता है मैं कभी कभी आपके बीच में वो सब चीजों को मैं अपडेट करूंगा जिसमें ऐसी क्या खूबियां हैं
जो हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है, जो यहाँ पे इस बिजनेस के साथ में हमारे को मिलती है। मतलब बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। एक बात जिसमें मेरा शुरू से पहले दिन से बड़ा जोर रहा है वो है नॉलेज। देखिए कोई भी कामों के परिणाम हमारे को मिलते हैं नॉलेज से, और नॉलेज के परिणामों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। कोई भी आदमी आके यहाँ पे कोई काम करता है नहीं करता है वो एक अलग चीज होगी, लेकिन कोई काम करता है लेकिन उसके बाद करने के बाद जो परिणामों में जो फर्क होता है उसका फर्क का सबसे बड़ा रीजन है नॉलेज। ऐसे कोई भी आदमी यहाँ पे काम करके बहुत छोटी सी जिंदगी बनाता है, छोटा सा इनकम साइज बनाता है, छोटा सा सिक्योरिटी डेवलप करता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कर लेता है। और वो नॉलेज बहुत जरूरी है जो हमें सीखनी चाहिए, हमें लगातार लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए। और इस बिजनेस ने जो कुछ सिखाया है वो अनबिलीवेबल है। तो आपका किताबी ज्ञान, आपकी बाकी जो नॉलेज है, वो जो एकेडमिक नॉलेज है वो शायद बहुत थोड़ी है, लेकिन इस बिजनेस के जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो लोगों के बीच में जाने का मौका मिला, लोगों से समझने का मौका मिला, लोगों के जो उतार चढ़ाव है ना, हर तरह की, मतलब इन 20 सालों में ऐसा लगता है जैसे कई लाखों गुरु हो गए हमारे बीच में जो जिन्होंने सिखाया। ऐसी पता नहीं हजारों लाखों परिस्थितियां आई जिससे इस बिजनेस को या इस जीवन शैली को सीखने का मौका मिला। और हम मैं कहता हूँ ये एक वो समंदर है जिसमें आप एक बार कूद गए तो आपकी कामयाबी तो निश्चित है, और जीवन का बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव आपको यहाँ पे इस बिजनेस के माध्यम से मिलता है। मैं समझता हूँ कि आप छोटी छोटी बातें अगर अप्लाई करेंगे जीवन में, इसका बहुत फायदा होने वाला है। और जीवन पर्यंत अगर किसी बिजनेस को देखना चाहते हो तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई दूसरा हो नहीं सकता है। थैंक यू। बहुत शानदार लीडर सियारण मूर्ति जी को, जिन्होंने साउथ में बिजनेस का अंबार लगा दिया और अपने आप को कोर लीडर बना करके प्रूव कर दिया। तो सियारण मूर्ति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जे आर सिंह सर, टीसी जी का बर्थडे के अवसर पर मुझे भी कोर लीडर के साथ एक छोटा मैसेज देने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं टीसी जी को और उनका परिवार को बर्थडे का बधाई देना चाह रहा हूँ। एंड मुझे इतना कम समय में कैसे कोर लीडर पे आने का मौका मिला, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आई यूज टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ माई अपलाइन, वॉट एवर माई अपलाइन सेज आई यूज टू फॉलो दैट ब्लाइंडली। एजुकेशन गिवन बाई माई अपलाइन गोपकुमार सर एंड वट सर, दैट वॉज माई गाइडलाइन। देन अनदर थिंग, जो भी काम करते हैं वी यूज टू डू, मैं लोगों को ये भी सिखाता था कि अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी से करो, ऐसा नहीं कि कोई टारगेट का निर्णय किया वो टारगेट पहुंचने के बाद आप उदास बैठो। जब तक आप काम कर सकते हैं, जहां तक आप काम कर सकते हैं, चाहे आपका टारगेट अचीव करने के बाद भी हो, आगे बढ़ते रहो, यही मेरा मेन फॉर्मूला है। जहां तक आप काम कर सकते हैं फुल डू अप टू योर फुलेस्ट। और अनदर पॉइंट इज, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, कोई अनएथिकल काम को प्रमोट नहीं करना है। इफ एनीबडी इज डूइंग लाइक दैट, काउंसिल हिम एंड करेक्ट हिम, सभी के साथ मिलजुल के काम करना है। इस पॉइंट पे हम साउथ पे क्रॉस लाइन ऐसा कोई चिंता ही नहीं है, हम सब आरसीएम का परिवार है, ऐसा करके सभी को साथ मिला के एक ही साथ प्रोग्राम करके एक के साथ एजुकेशन दे के करते थे। इसलिए एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते तो लोगों को आरसीएम के विजन अच्छा मिल पाता है। मोटिवेशन अच्छा है लेकिन ज्यादा टाइम तक वो नहीं रख सकता है, लेकिन अगर एजुकेशन दिया जाए तो इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। मार्केट द अवेलेबल प्रोडक्ट, ऐसा कि कोई लोग बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है, सो वॉट एवर इज अवेलेबल। हमें पता है कि बीइंग फ्रॉम साउथ, हम तो कंपनी का हेड ऑफिस है भिलवाड़ा से बहुत दूर में है, तो हमारे इच्छा के हिसाब से हो सकता है प्रोडक्ट ना मिले, तो जो मिलता है उसको प्रमोट करने का एक आदत बनाया हमने। आरसीएम में इतने सारे वैरायटीज है प्रोडक्ट का, जो व्यक्ति किसी फील्ड में एक्सपर्ट है उनको उसी में प्रमोट करो, उनको उसी में सपोर्ट करो। तो कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग में इच्छुक है तो उनको उसी में मदद करो, कोई न्यूट्रीचार्ज का प्रचार में इंटरेस्टेड है तो उनको उसी में सपोर्ट करो, और कोई गुड रोड पे काम करना चाह रहा है तो उनको उसी के ऊपर उनको सपोर्ट करो। जैसे कौन कहाँ पे काम करना चाह रहे हैं उनको उसी फील्ड में उनको मदद करो, और सभी को उनका जितना मेहनत कर सकता है, उनका जितना मैक्सिमम हम एफिशिएंसी निकाल सकता है वो देते हैं। और ट्रेनिंग और कंटिन्यूस एजुकेशन और फॉलोअप, इसी के वजह से हम इतना अच्छा बिजनेस ले पाया।
थैंक यू जी आरसीएम। और अब मैं लास्ट में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे डायमंड लीडर विजेंद्र जी राठौर को। विजेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। जय आरसीएम। दोस्तों एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति लगातार लगन के साथ लगा रहे, जो भी उसने अपना टारगेट बनाया, अपना लक्ष्य बनाया है, उस पे लगातार लगन के साथ लगा रहे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं दोस्तों कि वो बड़ी से बड़े मुकाम पे भी पहुंच सकता है। लेकिन इसके लिए एक ही चीज है दोस्तों, उसको टिके रहना पड़ेगा। उसको इधर उधर ताक झांक करने से काम नहीं चलेगा। वो जहां भी एक दफा अगर आई सिस्टम में बैठ गया है, और मैं अमूमन कहता हूं जैसे कि ये जो ट्रेन जो गरीबपुर से अमीरपुर की ओर चल रही है दोस्तों, अगर आप इस ट्रेन में बैठे रहे तो मेरा दावा है दोस्तों कि आप अमीरपुर जरूर पहुंचेंगे। और मैं प्रत्येक मेरे आज सुनने वालों को अत्री जी मैं बताना चाहूंगा कि आपका काम है खाली इस ट्रेन में अपना रजिस्ट्रेशन करा के इस 800 रुपी ट्रेन में बैठ जाए, और तब तक बैठे रहे जब तक कि आप अमीरपुर पहुंच नहीं जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन के बीच में एक स्टेशन आता है होशियारपुर, और अमूमन लोग वहां उतर जाते हैं। उत्तर पे क्यों है कि वहां पे लोग माला लेके खड़े रहते हैं कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और ये सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। कभी भी आपने अगर इस ट्रेन का रिजर्वेशन करा लिया है, चाहे आपने एसी में कराया है, चाहे आपने थर्ड एसी में कराया है, चाहे जनरल कोच में कराया है, चाहे आप फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी सीट पे बैठे रहे, आप अपनी सीट पे बैठे रहेंगे दोस्तों, तो मैं दावे से कर सकता हूँ कि आपका अगला मुकाम डायमंड होगी। ये थैंक यू दोस्तों। नमस्कार। जय आरसी। कदर रॉयल्टी आ रही है, जिस कदर टेक्निकल आ रहे हैं, एक ही बात निकलती मुझे, वाह आज पोजिशन में है कि आपके लिए दुनिया की वो बेहतरीन से बेहतरीन चीज है, एक से बढ़कर एक आलीशान प्रोडक्ट आपको दे सकता है। कुछ हम बढ़े, कुछ आप बढ़ो, और ऐसा करिश्मा करें कि हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में लोग जाने की आज क्या चीज है। तैयार है, बोल दीजिए जय आरसीएम। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमी में नींव भरी है, ऊपर का शीश महल तो अभी बाकी है। तलवारों के धार लगा लो, इरादे फौलादी बना लो, अब तक तो अभ्यास हुआ है, अभी लड़ाई बाकी है। हम आरसीएम के मतवाले इस देश की शान बढ़ाएंगे, देश प्रेम की चिंगारी पूरे भारत में जगाएंगे, डटे रहेंगे हर मुश्किल में, डटे रहेंगे हर मुश्किल में, मुश्किल आसान बना देंगे, बाधाओं के सीने पर हम जीत का जश्न मनाएंगे। बची करी अब कहाँ जाइए।